तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया आज? उस गैरी पे भरोसा करके क्या किया है पता है तुम्हें? हमारा बिजनेस, हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन सबको दांव पे लगा दी तुमने। मेरी कहान वो वीडियो गैरी ने नहीं बदला। और कौन बदलेगा? किसने बदला होगा? गैरी नहीं बदला है। गैरी ने पहले इतनी गलतियां की होंगी कि अब कुछ भी गलत होता है तो तुम्हें लगता है कि वो गैरी नहीं किया होगा। तुम लोग बदलते सुधरते, मैं बस एक मौका दे तो दिया ना तुमने मौका, और मौका देख लिया ना क्या किया उसने। अपनी गलती मानो और माफी मांगो, कहो कि फिर से ऐसा नहीं करोगी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गैरी की मदद लेके मैंने कोई गलती की है। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किसने बदला, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। पता लगाना ही क्यों है, सब कुछ सामने है। वो गद्दार तुम्हारे सामने ही है साहिबा, गैरी नहीं किया ये। गैरी है वो गुनेगार, लेकिन तुम सच्चाई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए मेरे लिए तुम भी गुनेगार हो साहिबा। तुम क्या कह रहे हो अंकल? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि उसके अंदर गिल्ट है, कि उसकी वजह से हमारे बीच में दूरी आ गई। ये सब उसका नाटक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और सच्चाई के बीच में फर्क समझने की समझदारी है मुझ में, और जो मुझे सही लगता है मैं उसका साथ दूंगी। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी मैं। और मुझे यकीन है कि गैरी सुधर गया है। बिल्कुल गलत है तुम्हारा ये यकीन। अब या तो तुम्हें गैरी पर अपने इस यकीन को तोड़ना होगा, या फिर हमारे रिश्ते को। मैं जानती हूं तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम सीरियस नहीं हो सकते। तुम्हें अभी बताता हूं कितना सीरियस हूं मैं। चलो अंदर चलो, सबके सामने अपना ये फैसला सुनाता हूं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम अलग हो रहे हैं। और अगर तुम्हें तब भी यकीन ना हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगा कि साहिबा और अंगद अब एक नहीं है, दोनों अलग हो चुके। अंगद नहीं, अंगद मेरी बात तो सुनो, अंगद ये गलत है। इस बनावटी रिश्ते का यही अंजाम होना था, बस अंजाम आने में टाइम ज्यादा लग गया। पाजी, मैं सबसे पहले आप ही को बताने वाला था, पर आप भाभी के साथ थे और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पर मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सबको बता दिया। पाजी, मैं कीरत से प्यार करता हूं और मैंने उससे शादी करने का फैसला ले लिया है। कंग्रेचुलेशंस वीर। सबको लग रहा है कि अंगद ने भाभी को माफ कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। अंगद भाभी को मुझ पर भरोसा करने के लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, वो अभी भी उनसे नाराज है।